अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चीज़ी वेज क्रेप्स। ये बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी है। किसी भी पार्टी या गेट टुगेदर में सर्व करने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट डिश है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हम क्रेप्स बनाने के लिए सबसे पहले बैटर बना लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ 1 कप मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लेंगे, 1/2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1/2 कप हम इसमें दही ऐड करेंगे। इन सारे चीज़ों को हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ 1 कप दूध लिया है। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करें, इस तरह करने से इसमें लम्स फॉर्म नहीं होंगे। हमने बचा हुआ दूध इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर अब बनकर तैयार हो चुका है, तो चलिए हम दूसरे स्टेप की ओर चलेंगे। हमने यहाँ एक पैन लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब हम ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम 1/3 कप बैटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप अपने बैटर को जितना थिन स्प्रेड करेंगे उतने ही क्रेप्स आपके अच्छे बनेंगे। अब हम इसे दूसरी साइड फ्लिप कर लेंगे। आप इसे 70% ही सेकें। हमारे क्रेप्स 70% कुक हो चुके हैं। अब हम सारे क्रेप्स को इसी तरह कुक कर लेंगे। आप इसी तरह पैन को अच्छे से ग्रीस कर लें, बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर लें और इस तरह क्रेप्स बना लें। आप अपने बैटर को जितना थिन स्प्रेड करेंगे उतने ही क्रेप्स आपके अच्छे बनेंगे। सारे क्रेप्स हम इसी तरह बना लेंगे। हमने सारे क्रेप्स बना लिए हैं, तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। हमने यहाँ एक पैन लिया है, इसमें हमने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। इसमें हमने 1 बारीक कटी हुई प्याज डाली है और थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ गार्लिक ऐड किया है। इसे सॉफ्ट होने तक थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लें। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ कैप्सिकम डालेंगे, ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
हम इसमें बॉईल किया हुआ मैश्ड पोटैटो ऐड करेंगे और इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारे चीज़ों को अब हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप। ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हमारी फिलिंग अब बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे सारे क्रेप्स अच्छे से बन चुके हैं। देखिए, हमने 6 से 7 क्रेप्स बना लिए हैं। अब हम क्रेप्स को असेंबल करेंगे। जो क्रेप का ज़्यादा सिका हुआ साइड हो उसके सेंटर पर हम फिलिंग ऐड करेंगे। क्रेप्स को सील करने के लिए हमने यहाँ एक मैदे का मिक्सचर बना लिया है। हमने यहाँ 2 टीस्पून मैदा ऐड किया है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक मिक्सचर बना लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा चीज़ डालेंगे और क्रेप्स को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। आप मैदे के मिक्सचर लगाकर इसे फोल्ड कर लें। इस तरह इसे आप फोल्ड कर लें। सारे क्रेप्स को हम इसी तरह असेंबल कर लेंगे।
हम सारे क्रेप्स इसी तरह बना लेंगे। देखिए हमने इस तरह सारे क्रिप्स बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लें। अब इसमें क्रेप्स डालकर हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। आप फ्लेम को मीडियम ही रखें और सारे क्रेप्स को इसी तरह शैलो फ्राई कर लें। हमने सारे क्रेप्स फ्राई कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे टेस्टी क्रेप्स बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने कलरफुल और यमी लग रहे हैं। ये पार्टी या गेट टुगेदर में सर्व करने के लिए एक परफेक्ट डिश है, तो इस टेस्टी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। कितनी यमी और टेस्टी लग रही है, तो इस टेस्टी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक ज़रूर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें।